अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू ज़ुबैर अहमद 516 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपना बैलेंस दूसरी सिम में किस तरह शेयर कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स को ये नहीं पता होता, उनकी सिम में बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो वो इंतज़ार में रहते हैं कि कब वो बैलेंस करवाएँ और कब वो उनका काम शुरू हो। तो अगर आपकी दूसरी सिम में बैलेंस है तो आप उससे किस तरह अपनी दूसरी सिम में बैलेंस शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने दोस्तों को भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि वो आपको बैलेंस शेयर कर दें। आज की वीडियो में आपको सारा प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि कम से कम कितनी रकम होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, फिर ही आप उसको शेयर कर सकते हैं, और इसका तरीकाकार क्या है। तो इसके लिए हम डायल पैड पर आ जाते हैं। डायल पैड पर आने के बाद हमने यहाँ पे डायल करना है *100*, यहाँ पे हमने नंबर डायल करना है जिस भी नंबर पर हम बैलेंस शेयर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर नंबर डायल करता हूँ, ये वाला। जैसे मैंने ये नंबर डायल किया, नंबर डायल करने के बाद फिर हमने स्टार डायल करना है और यहाँ पे फिर हमने रकम लिखनी है जो भी हम शेयर करना चाहते हैं। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे आप कम से कम ना 15 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक का बैलेंस शेयर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा या कम नहीं शेयर कर सकते। तो यहाँ पे ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आपने रकम लिखनी है। मिसाल के तौर पर 15 रुपये मैंने लिखी और यहाँ पे हैश पे क्लिक कर दिया और हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ आपके सामने मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ से हमने करना क्या, हमने 1 डायल कर देना है। ओके 1 डायल करके ओके पे क्लिक कर देना है और ये हमारा बैलेंस उन तक शेयर हो गया। तो दोस्तों, इसी तरह हम बैलेंस शेयर कर सकते हैं और जिस सम पे हमने बैलेंस शेयर किया है उस पे भी इस तरह का मैसेज आ जाएगा।